आर्थिक व्यवस्था ऐसे संकट में पहुंची थी जैसा संकट स्वतंत्र भारत के समूचे इतिहास में देखने को नहीं मिला था। ऐसी दशा में मैंने हुकूमत की बागडोर संभाली। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। आई सपोज एवरी कंट्री wants the welfare state because it wants welfare for its citizens. The gap between those who have and those who have not increases. Yes. You want that to disappear. There are some critical moments in the life of a nation which call for bold and decisive leadership. ये मैं समझता हूँ कि 25-30 साल के अंदर हमारा देश भी विकसित देशों के बीच में जाके बैठ सकता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धक 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 धक, जैसे हमें और आपको जिंदा रहने के लिए दिल की धड़कन का सही तरीके से चलना जरूरी है, वैसे ही देश को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था की धड़कन का सही तरीके से चलना बहुत जरूरी है। नेहरू, राव, मोदी, इन सभी को आपने सुना। दरअसल आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री से लेकर आज तक हर प्रधानमंत्री ने देश को सोने की चिड़िया एक बार फिर से बनाने का यही सपना देखा। हर भारतवासी का भी यही सपना रहा। 1947 में जब हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, उस वक्त देश की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। प्रधानमंत्री नेहरू पर एक मजबूत और सशक्त हिंदुस्तान बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। अच्छा, भारत को तेजी से आगे ले जाने के लिए औद्योगिकरण ही एकमात्र रास्ता था, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर आधारित थी। हालांकि विडंबना यह भी थी कि एक कृषि प्रधान देश को अपना पेट भरने के लिए अनाज का आयात विदेशों से करना पड़ता था। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियों से भली भांति वाकिफ थे। 1964 में उनकी मृत्यु से कुछ हफ्ते पहले दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अमरीकी पत्रकार आर्नोल्ड माइकलिस से भारतीय अर्थव्यवस्था और खास तौर पर कृषि के क्षेत्र की दिक्कतों को लेकर गंभीर चर्चा की थी। यह इंटरव्यू उनकी मृत्यु से ठीक 10 दिन पहले 18 मई 1964 को न्यूयॉर्क में प्रसारित हुआ था। I noticed particularly in the agricultural area that you are still concerned because India, being essentially an agricultural economy, still has to be dependent upon imports of food. That is so. That worries us a good deal, because we want to be not dependent on food from abroad. I think we shall be in a few years' time. You think you'll be independent? I think so. Yes, should produce quite enough for our own purposes, a little more than that. Many ordinary ways of increasing the yield, but how to induce 300 million people to do that is a problem. आजादी से लेकर आज तक रोजगार की समस्या देश में जस की तस बनी हुई है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी सब ने अपने अपने समय में देश की अर्थव्यवस्था को कृषि से निकालकर उद्योगों की तरफ मोड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती गई। 1991 ये वो साल था जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरसिम्हा राव विराजमान हुए। तब देश बड़े आर्थिक संकट के दौर में था। हालात करो या मरो जैसे थे। तब देश को अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। सबकी निगाहें नरसिम्हा राव पर थी। ऐसा लगता था कि पानी सिर से ऊंचा चल रहा उठ रहा है, देर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और पशुपेश
करना तो आत्महत्या सदृश होगा, इसलिए हमें बड़ी तेजी से कुछ कदम उठाने पड़े। साहसपूर्ण निर्णय हमने लिए और उन निर्णयों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति और बिगड़ने वाली थी उसको हमने रोक लिया, उस बिगाड़ को रोक लिया। नरसिंह राव ने जिस स्थिति के बिगड़ने का जिक्र किया था वो स्थिति थी भुगतान संकट, यानी देश के पास विदेशी मुद्रा की इतनी कमी हो गई थी कि मात्र दो हफ्तों के लिए ही कच्चे तेल का आयात करने की मुद्रा बची हुई थी, जबकि न्यूनतम सुरक्षित स्तर इससे 6 गुना ज्यादा होना चाहिए था, मतलब भारत दिवालिया होने के कगार पर। नरसिम्हा राव के गद्दी संभालने से पहले उस वक्त चंद्रशेखर केयरटेकर प्रधानमंत्री थे। उनकी अनुमति से भारत सरकार ने 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 47 टन सोना गिरवी रखा था, जिसके एवज में 1100 करोड़ रुपए मिले। इसी पैसे से कर्ज चुकाया गया था। जाहिर है देश के ये हालात एक दिन में तो पैदा नहीं हुए थे। नरसिम्हा राव से पहले प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी, वीपी सिंह और चंद्रशेखर भी देश के बिगड़ते आर्थिक हालात से वाकिफ थे, लेकिन वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। दरअसल देश की आर्थिक बदहाली का कारण 1991 से पहले बरसों से चले आ रहे लाइसेंसी परमिट राज को माना जाता है। जब सोना गिरवी रखने का फैसला सरकार ने किया, तब सिर्फ फैक्ट्री लगाने के लिए ही सरकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, बल्कि फैक्ट्री में कितना उत्पादन होगा, तैयार माल किस दाम में बिकेगा, ये भी सरकार ही तय करती थी। उस वक्त विदेशी निवेश ना के बराबर था। विदेशी बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF जैसे कर्ज देने वाली एजेंसियां इसमें बदलाव की मांग कर रही थी, लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं था। इसीलिए 1991 तक आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि देश के आयात का बिल भरने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। हमें सोना भी अपना गिरव रखना पड़ा था। 1000 करोड़ से ज्यादा हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। शायद एक हफ्ते के अंदर हम डिफॉल्टर बन जाते और हमारी साख एकदम राख में मिल जाती। ऐसे समय से हम आगे बढ़े हैं, कुछ सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए। ऐसा नहीं कि इस राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के दौर से पहले भारत आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर उससे पहले के 4 दशक यानी 1950 के दशक से 1980 के दशक तक देश की GDP के आंकड़ों को देखें, तो इन 30 सालों में देश की GDP औसत रूप से तकरीबन 3.5% सालाना बढ़ रही थी। 3.5% की सालाना वृद्धि को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का नाम भी दिया गया था। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द का जिक्र पहली बार दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। अर्थशास्त्रियों में इस शब्द के मतलब को लेकर अलग अलग राय है। कई अर्थशास्त्री इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। उनका मानना यह है कि किसी एक धर्म के अनुयायी के दृष्टिकोण के बजाय नेहरू का समाजवाद और आज़ादी के बाद भारत की संरक्षणवादी और हस्तक्षेपवादी नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार थी। हमारी जब आज़ादी हुई उसके बाद जो हमने जो इकोनॉमिक मॉडल जो अपनाया वो खुली सोच के विपरीत एकदम एक प्रतिबंधों से भरा कंस्ट्रिक्ट करने वाला एक एक्चुअली ऐसा एक मॉडल चुना सोशलिज्म के और जिसके कारण जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो 1.5% 2% इस तरह की जो वृद्धि दर थी वही दर्ज कर पाई। खाड़ी युद्ध, देश में भुगतान संकट और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जैसी घटनाओं से 1991 में देश में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता चरम पर थी। इसका सबूत यह था कि 1991 में भारत की विकास दर 1.06% तक पहुंच गई थी। पीबी नरसिम्हा राव ने जब गद्दी संभाली
तो उन्हें एक ऐसे वित्त मंत्री की जरूरत थी जो अर्थशास्त्री तो हो लेकिन राजनेता ना हो, और यही नहीं पश्चिमी देशों के साथ काम करने की जिसकी क्षमता भी हो। पीवी नरसिम्हा राव को तत्कालीन कांग्रेस के नेता पीसी अलेक्जेंडर ने मनमोहन सिंह का नाम सुझाया। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, साथ ही सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव की मंशा बहुत साफ थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे जो आज तक न हुआ हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑफ कोर्स वाज द राइट मैन एट द राइट प्लेस एंड देयरफॉर इट फेल टू हिम दैट द प्लेस इन हिस्ट्री इज रिजर्व फॉर हिम। बट आई थिंक द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर वाज द की एंड द पर्सन हु वाज ऑक्युपाइंग दैट पोस्ट वाज द की। अदरवाइज आई एम नॉट श्योर whether Mr. Narasimha Rao, having risen in a 30-35 year tradition of socialism, would have sharply made a turn and then introduced liberalization. Narasimha Rao ji clear the apne mind mein ke jo vitt mantri honge unka stature antarrashtriya level pe itna acha ho ke koi bhi desh ko jaye aur सहायता मांगे, हेल्प मांगे, फॉरेन एक्सचेंज के सपोर्ट मांगे और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जब हम ऋण ले रहे थे उनका सपोर्ट जगह मिले, ऐसे एक आर्थिक महानुभाव को उन्होंने वित्त मंत्री बनाने की निश्चय ली थी। 24 जुलाई 1991 वो तारीख है जिसे भारत के इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। इस दिन मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना पहला बजट पेश किया। इस ऐतिहासिक बजट ने देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। आजादी के बाद से घुटती और तड़पती अर्थव्यवस्था को नए पंख मिले थे। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में मनमोहन सिंह ने देश को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था। भारत ने पूरी दुनिया को भारत में व्यापार करने और पैसा लगाने का न्योता दिया। लाइसेंस और परमिट राज को देश से खत्म कर दिया गया, इसे ही आर्थिक उदारीकरण कहा गया। मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते वक्त लेखक विक्टर ह्यूगो की मशहूर लाइनें कही थी, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, यानी दुनिया की कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। बात बिल्कुल सही थी। पिछले साल जब हमारी सरकार आई तो उस वक्त देश एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा था और इस चीज़ का बहुत ही खतरा था कि कहीं हमारे मुल्क का बिल्कुल दिवालिया ही ना हो जाए। अगर ऐसी चीज़ हो जाती तो ये तो हमारे देश और देशवासियों के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होती, इससे देश की आर्थिक हालत को और भी बहुत धक्का पड़ता, कीमतें बढ़ती और जो बेरोजगारी है वो भी बेहद बढ़ती। तो सबसे पहला हमारा फर्ज उस समय था कि किसी तरह हम इस डिफॉल्ट को ना होने से के ना होने दें, इसको ना होने दें। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है। पीवी नरसिम्हा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। यही वजह है कि उनकी टीम में ऐसे लोग थे जो अर्थशास्त्र के भी माहिर थे और प्रशासन के भी, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें नतीजा दिला सकता था। आर्थिक सुधारों को लागू करने की जो कोर टीम थी उनकी, उसमें नेता कम थे, ब्यूरोक्रेट ज्यादा। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को तो वित्त मंत्री चुना ही, उन्होंने पी चिदम्बरम को वाणिज्य मंत्री बनाया। नौकरशाही में उन्होंने मोंटेक सिंह अहलुवालिया पर दाव लगाया, वो उस वक्त वाणिज्य सचिव थे। इसके अलावा नरसिम्हा राव ने अमरनाथ वर्मा को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया। वो पहले इंडस्ट्री सेक्रेटरी रह चुके थे। 1990 से 1992 के बीच कैबिनेट सेक्रेटरी रहे नरेश चंद्रा भी उनके लिए संकट मोचक साबित हुए। उस दौर के राजनीतिक उथल पुथल में उन्हें कई बड़े फैसले लेने का अनुभव था। इसके अलावा सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़े हुए अर्थशास्त्री
राकेश मोहन, दीपक नैयर और अशोक वी देसाई भी 1991 के सुधारों की रूपरेखा बनाने वाली कोर टीम में शामिल थे। उस वक्त रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे सी रंगराजन ने भी अहम भूमिका निभाई थी। ऑल ऑफ देम मेड द टीम अंडर ऑफ कोर्स द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नरसिम्हा राव हु इज प्राइम मिनिस्टर। विदाउट द प्राइम मिनिस्टर्स गो हेड नथिंग कुड हैव बीन डन इन 1991। 1991 का बजट पहला ऐसा बजट था जिसमें वित्तीय घाटे को कम करने के लिए कड़े कदम उठाए गए। पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर जैसी कई चीजों के दाम बढ़ाए गए, जिन पर सरकार की भारी सब्सिडी स्वाहा हो जाया करती थी। सिर्फ केरोसिन को बख्शा गया, जिसका दाम थोड़ा कम कर दिया गया। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी घोषणाओं के साथ घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों के विनिवेश की घोषणा भी इस बजट में थी। मनमोहन सिंह उस दिन बजट पेश नहीं कर रहे थे, देश को एक कड़वी दवा दे रहे थे जिसे देश ने खुले दिल से स्वीकार किया। सबसे पहले ये लाइसेंस परमिट वगैरह का चक्कर जो यहाँ चलता था, जिसके चलते लोगों को परेशानी होती थी, कोई काम आगे नहीं बढ़ता था, इस चक्कर को हमने काट दिया है और आज जैसे एक विमुक्ति कर दी है उन लोगों की जो इस चक्कर में फंसे हुए थे। वो ये था कि निजी क्षेत्रों के लिए उन्होंने दरवाजे खोले, और जब दरवाजे खोले तो बहुत तेजी से ग्रोथ होनी शुरू हुई, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी थी, खपत इतनी थी कि उस ग्रोथ के लिए पूरा बाजार सजा हुआ था। और सोवियत संघ के पतन के बाद पूरी दुनिया में ये एक तरह का माहौल भी बन गया था कि अब निजी क्षेत्रों को ज़्यादा हक हुकूक देने चाहिए, ज़्यादा अवसर देने चाहिए। तो सबसे बड़ा फैसला ये था आज़ादी के बाद का, लगभग उसी तरीके से जैसे इंदिरा जी ने कभी बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उससे उल्टी दिशा में जाने का था, लेकिन एक बहुत साहस भरा फैसला था। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों की सोच इस मामले में बिल्कुल साफ थी कि अगर भारत को औद्योगिकीकरण की तरफ ले जाना है और आर्थिक तरक्की तेजी से करनी है तो फिर विदेशी निवेश पर ध्यान बढ़ाना होगा। भारत को बड़ी पूंजी की जरूरत है और वो भी बहुत जल्दी। यही एक तरीका था। सबसे पहला जोर हमने इसी चीज पे दिया कि किसी तरह भारत की साख को इतना मजबूत किया जाए कि जो जो लोग पैसा यहाँ देश से वापस ला रहे थे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो ऐसा करना बंद कर दें, जो बाहर से पैसा आना बंद हो गया था वो आना शुरू हो जाए। और जैसा कि आपने कहा कि उस वक़्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे 2300 जुलाई में, तो वो तो दो हफ्ते की इम्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी नहीं थे। और अगर ऐसी हालत रहती तो देश में एक बहुत बड़ा भयानक संकट का दौर शुरू होने वाला था। कई लोग घबराते हैं कि बाहर से पैसा आएगा तो पता नहीं क्या हो। मैं कहना चाहता हूं, कोई कारखाना यहां लगाएगा तो कारखाना यहीं तो लगेगा, हमारा देश छोड़ के बाहर तो वो भागने वाला नहीं है। सड़क बनेगी तो सड़क यहीं बनी रहेगी, रेल बनेगी तो यहीं तो रहेगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी पूंजी लगे लगने दीजिए, वो हमारी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी, देसी हो जाएगी और उससे फ़ायदा हमें मिलेगा। जो पूंजी लगाता है वो भी थोड़ा बहुत मुनाफा हासिल करना चाहेगा, उसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि केवल मुफ्त में कोई लगाने को तो तैयार नहीं होता। 1947 में आज़ादी के बाद से भारतीय रुपये का सिर्फ 3 बार अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन हुआ है, 1949, 1966 और आखिरी बार 1991 में। खास बात यह है कि जब अवमूल्यन होता है तब आयात में कमी आती है और निर्यात में बढ़ोतरी होती है, लेकिन 1991 में जब मनमोहन सिंह ने इसका अवमूल्यन किया था तब उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। इसको राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़कर देखा गया था। कारण ये कि जब आज़ादी मिली थी उस समय एक रुपये और एक यूएस डॉलर की कीमत बराबर होती थी, जो कि आज एक डॉलर के मुकाबले 75 रुपये हो चुके हैं। डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन आजकल के ज़माने में इनके कोई माने नहीं रहे। एक्सचेंज रेट सारी दुनिया में
वो कभी एक दिन ऊपर होते हैं, दूसरे दिन नीचे जाते हैं। तो मार्केट फोर्सेस को अगर आपने बढ़ावा दिया तो ये तो होना ही है कि एक्सचेंज रेट्स कभी कम होंगे, कभी बढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने किया उससे ये कहना कि हमने रुपए को डीवैल्यू कर दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और वो बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, इम्पोर्ट को कम करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए और देश के आर्थिक विकास में मदद देने के लिए। आर्थिक उदारीकरण के फैसले के बाद देश वाकई तरक्की की राह पर निकल चुका था। भारत ने दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। अगले दो दशकों में प्राइवेट बैंक, विदेशी गाड़ियां, मोबाइल फोन, टीवी चैनल, प्राइवेट एयरलाइंस से लेकर हर वो सुविधा आम आदमी को आसानी से मिलने लगी जिसके लिए वो आजादी के समय से ही तरस रहा था। जिस कार में मैं बैठने जा रहा हूं इसे एम्बेसडर कहते हैं और 1950 के दशक में ब्रिटिश ऑक्सफोर्ड कार के आधार पर यह बनी थी। लेकिन 1990 तक हिंदुस्तान में इसका पूरी तरीके से राज चलता था। सिर्फ दो कारें और होती थी, एक फिएट और कुछ हद तक मारुति, क्योंकि 1991 से पहले तक प्रतिस्पर्धा बाजार में थी नहीं। इसका नतीजा था यही कार हुआ करती थी, यानी हम अतीत में जी रहे। 30 साल बाद यानी 2021 में आज भारत में कार कंपनियों के लगभग 40 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जिसमें हैरानी की बात यह है कि केवल 14 ब्रांड्स ही ऐसे हैं जो भारतीय हैं। मैं इस वक्त MG हेक्टर गाड़ी के नजदीक खड़ी हूं। इसे कभी ब्रिटेन की कंपनी बनाया करती थी और आज इसे चीन ने टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देश में जापान की टोयोटा और होंडा, जर्मनी की BMW और मर्सिडीज, इसके अलावा दक्षिण कोरिया की ह्यूंडई और अमेरिका की फोर्ड जैसी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। यानी हमारे पास आज चुनने के लिए इतने विकल्प है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह के काले रंग के तार वाला लैंडलाइन फोन आप में से शायद कई लोगों का याद होगा। उन दिनों लोगों के घरों में इसी तरीके के फोन हुआ करते थे और ये फोन होना तब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी और इसका कनेक्शन लेना आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत तरह के जतन करने पड़ते थे, सिफारिशी चिट्ठियां लिखवानी पड़ती थी, कभी सांसद से, कभी मंत्री से, तो कभी बड़े बड़े अधिकारियों से। और लेना आसान काम नहीं था, ये सरकारी विभाग ही देता था, तब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती थी और बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता था कनेक्शन लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार ये ख़राब हो गया तो फिर ठीक कराने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते थे ना, पूछिए मत। हे सिरी, कॉल डैड। कॉलिंग डैड मोबाइल। मेरे इस एप्पल फोन से सिर्फ वॉइस कमांड से ही नंबर डायल हो जाता है। लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया बदल दी है। मोबाइल फोन अब सिर्फ फोन नहीं बल्कि कंप्यूटर है। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है बस एक चुटकी में पता चल जाता है और दुनिया का कोई भी फोन हो इंडिया आने में उसे टाइम भी नहीं लगता है और नंबर लेने के लिए अब सरकारी विभाग भी नहीं जाना पड़ता। किसी भी गली नुक्कड़ में पान की दुकान पर एयरटेल या जियो का नंबर मिल जाता है, यानी सिम कार्ड मिल जाता है। 1991 में भारत में कुल 58 लाख लैंडलाइन टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज देश में मोबाइल और लैंडलाइन मिलकर 119 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। समझ लीजिए कि आज लगभग हर भारतीय के पास फोन है। भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीफोन बाजारों में से एक है। जब मैं छोटा था तो मेरे घर पर बजाज चेतक स्कूटर था और मुझे याद है बचपन के दिनों में मेरे पापा इसी स्कूटर पर बिठा के हमें घुमाने ले जाया करते थे। और आप में से कई लोगों को शायद बजाज का वो मशहूर विज्ञापन भी याद होगा, हमारा बजाज। और आपको एक बात और बताऊं कि बजाज के अलावा उन दिनों वेस्पा और लैमरेटा स्कूटर भी आता था और 1950 से लेकर 1980 के दशक तक
इन्हीं स्कूटरों का बोलबाला था और स्कूटर खरीदने के लिए शोरूम के कई बार चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार तो सिफारिशी चिट्ठियां भी लिखवानी पड़ती थी और ऐसे भी मौके आए जब लोगों को जल्दी खरीदने के लिए स्कूटर शोरूम के एजेंट को घूस तक भी देने पड़े। आज समय बदल गया है, अब स्कूटर बुक कराने के लिए शोरूम जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन या फोन पर ही बुकिंग करा सकते हैं। अभी बुक कराइए, एक घंटे में आपके घर पर होम डिलीवरी हो जाएगी। पेट्रोल ही नहीं बल्कि अब बैटरी से चलने वाले स्कूटर भी बाजार में आ गए हैं। पुराने स्कूटरों में पहले किक लगानी पड़ती थी, वो भी कई बार, लेकिन अब एक बटन दबाते ही स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही ओला ने 499 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की, शुरुआती 24 घंटे में ही 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग कराई, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। देश में 1991 में 2,14,00,000 मोटर वाहन रजिस्टर्ड थे, लेकिन आज 33,30,00,000 मोटर वाहन रजिस्टर्ड हैं। साफ है कि देश में आर्थिक उदारीकरण की वजह से लोगों के पास पैसा भी आया है और विकल्प भी मिले हैं। मैं इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा हूं। 1991 से पहले जब लोगों को बैंक से पैसे निकालने होते थे तो पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती थी। बैंक पहुंचिए, टोकन लीजिए, लंबी लाइन होती थी, तब कहीं जाकर लोगों को कैश मिल पाता था। पासबुक में एंट्री करवानी हो या फिर बैंक में फॉर्म भरना हो या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, तमाम तरह के उसमें खाना पूर्ति होती थी, तमाम तरह के दस्तावेज लोगों को भरने पड़ते थे। ना तो कंप्यूटर होते थे बैंकों में, ना एसी की व्यवस्था होती थी। इन सब के अलावा बैंक के बाबुओं के नखरे अलग होते थे। मुझे 2,000 रुपए कैश की जरूरत थी, मैंने HDFC बैंक के ATM में अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाली और कैश बाहर, एक मिनट भी नहीं लगा। कैश निकालना आज के दौर में कितना आसान हो गया है, लेकिन हमारे मम्मी पापा के जमाने में ये इतना आसान नहीं था। बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी अब आपको बैंक का रुख करने की जरूरत नहीं है, बैंक वाले सीधे घर आ जाते हैं और ऑनलाइन माध्यम से आपका अकाउंट खोल देते हैं। प्राइवेट बैंकों ने बैंकिंग के पूरे स्टाइल को बदल कर रख दिया है। 1991 से पहले देश में प्राइवेट बैंकों की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन आज देश के 3 सबसे बड़े बैंकों में से 2 प्राइवेट बैंक हैं, HDFC और ICICI। दोनों की शुरुआत आर्थिक उदारीकरण के बाद 1994 में हुई थी। पहले टीवी में चैनल इसी तरीके से बदलना पड़ता था, उन दिनों टीवी भी इसी तरीके का होता था और चैनल आज की तरह हजारों की संख्या में नहीं, एक ही आता था, नाम था दूरदर्शन। और दूरदर्शन में भी 24 घंटे कार्यक्रम नहीं आते थे, हफ्ते में एक बार चित्रहार और रंगोली जैसे गाने के कार्यक्रम आते थे। टीवी सीरियल के नाम पर रामायण, महाभारत, हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिक आते थे। फिल्में भी हफ्ते में एक बार ही आती थी, घर बैठे मनोरंजन का कोई और विकल्प नहीं था। और खबरों के नाम पर दूरदर्शन का एक न्यूज बुलेटिन हुआ करता था। देश में आज टीवी चैनल्स की बाढ़ है, मनोरंजन से लेकर खबरों तक देश में करीब 1,000 टीवी चैनल्स हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत में विदेशी टीवी नेटवर्क्स ने खूब पैसा लगाया। अब तो जमाना स्मार्ट टीवी का है, टीवी भी इंटरनेट से चलने लगा है। Amazon और Netflix जैसी ऐप पर देश विदेश की तमाम फिल्में सिर्फ एक क्लिक पर मौजूद है, यहाँ तक कि मोबाइल फोन भी अब टीवी बन गया है। और ये सब कुछ संभव हुआ है भारत में विदेशी निवेश को मंजूरी की वजह से। 2003 से लेकर 2016 तक भारत की GDP का विकास औसतन 7% सालाना से ज्यादा रहा। 1991 से लेकर अब तक यानी पिछले 30 सालों में भारत की GDP का आकार देखें तो भारत के विकास की कहानी अपने आप जाहिर हो जाती है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था 2,70,000,000,000 थी। 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई तब यह आंकड़ा 5,86,00,000 था और आज 2021 में भारत की GDP का आकार 194,00,000 पहुंच गया है। यह नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की दूरदर्शिता ही थी जिसकी वजह से आज भारत के पास अकूत विदेशी मुद्रा है। एक वक्त पर जब 2 हफ्ते के आयात बिल चुकाने के पैसे नहीं थे
आज 18 महीने का आयात बिल चुकाने जितनी विदेशी मुद्रा पड़ी है। 1991 में जब मनमोहन सिंह ने बजट की स्पीच पढ़ी थी, तब भारत के पास सिर्फ $1 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी। जुलाई 2021 में भारत के पास $611 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। भारत का लक्ष्य अब चीन है। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन के पास फिलहाल 3300 बिलियन यानी $3.3 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा का भंडार है। भारत के लिए चीन चुनौती और प्रेरणा दोनों है। दुनिया में अगर किसी महाशक्ति ने पिछले 30 साल में सबसे तेजी से अपने लिए जगह मजबूत की है तो वो चीन ही। खास बात यह है कि जब 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे करीब एक दशक पहले ही चीन ने भी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले थे। जिस तरह भारत में आर्थिक क्रांति का जनक पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है और इसी तरीके से चीन में आर्थिक क्रांति का श्रेय जाता है डेंग शियाओपिंग को। डेंग शियाओपिंग ने 1978 में चीन में आर्थिक क्रांति की शुरुआत की थी। चीन अब न केवल सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि वो अपने अतीत की उस ताकत को आगे बढ़ा रहा है जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में दुनिया की अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 30% के आसपास होता था। खास बात यह है कि 1991 में कई पैमानों पर भारत और चीन बराबर थे। 1991 में भारत में प्रति व्यक्ति की सालाना आय $300 थी। उस वक्त चीन में भी प्रति व्यक्ति सालाना आय $333 थी। दोनों देशों में लोगों की औसत आय लगभग बराबर थी। 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 7 गुना बढ़कर $2,191 हो गई है, लेकिन इस दौरान चीन की प्रति व्यक्ति आय 35 गुना बढ़कर $11,819 हो गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि चीन अब भारत से बहुत आगे निकल गया है। हमने वो जो दो दशक है 70 और 80 का दशक हमने गवा दिया, और तो उसके चलते जो क्योंकि चीन ने 70 के दशक में इसको शुरू किया और उससे जो उनका जो मोमेंटम आया, जो गति आई, उस गति के कारण वो एक्चुअली हमसे ये इन तीन दशकों में उनकी गति हमसे तेज रही है। चीन को ताकतवर बनाने में तीन नेताओं का नाम लिया जाता है, माओ त्से-तुंग, डेंग शियाओपिंग और मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शियाओपिंग की आर्थिक क्रांति के 40 साल बाद एक बार फिर से चीन शी जिनपिंग जैसे मजबूत नेता की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग चीन की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बनना चाहते हैं। इसके लिए शी जिनपिंग डेंग शियाओपिंग की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था को खोलना और आर्थिक सुधार जैसे कदम शामिल हैं। मुझे लगता है चीन से भारत की तुलना करना बहुत ही ज़्यादा बेइंसाफी है भारत के साथ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इकोनॉमिस्ट ने किसी कभी लिखा था भारत के लिए कि ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि 100 करोड़ लोगों के पास वीटो पावर है। चाइना में एक बार अगर उनकी कम्युनिस्ट पार्टी तय कर लेती है, उसके बाद वो कोई भी चीज़ उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनती। शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण से सरकारी कंपनियों को दूर किया और पूरी तरह से प्रबंधन के हाथों में ये जिम्मेदारी सौंप दी है। पहले के दो नेताओं की तुलना में शी जिनपिंग ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ज्यादा जोर दिया है। शी जिनपिंग वन बेल्ट वन रोड परियोजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नेटवर्क को एशिया, यूरोप, अफ्रीका और चीन से जोड़ना चाहते हैं। भले ही ये एक विवादित परियोजना है, लेकिन शी जिनपिंग के इरादों को साफ करती है। फिलहाल चीन की अर्थव्यवस्था $16 ट्रिलियन की है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते।
लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत आगे की सोच रहे हैं। साल 2024 तक भारत की इकोनॉमी को वो $5 trillion की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। जाहिर तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है, तमाम तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो ऐसा कर पाए तो दरअसल साल 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था को वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। वैसे आर्थिक विकास के मामले में उनकी सोच पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डेंग शाओपिंग से मिलती जुलती है। जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पक्का घर होना चाहिए, जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जाप करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए। 2024 तक $5 trillion अर्थव्यवस्था की राह इतनी आसान नहीं है, खासकर तब जब कोरोना पिछले 1.5 साल से झटके पर झटके दे रहा है। 2014 से लेकर अब तक आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी सफलता नहीं मिली है जितने का उन्होंने वादा किया। 2015 से 2018 के बीच देश की जीडीपी औसतन सालाना 7.3% की दर से बढ़ी। 2019-20 में यह घटकर 4.18% हो गई, जबकि 2020-21 में देश की जीडीपी नेगेटिव हो गई। इस साल जीडीपी -7.3% रही, जो पिछले 41 साल में सबसे कम थी। वित्त मंत्री साहिबा ने ये ऐलान भी किया है कि जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको फ्रंट लोड करेंगे, Q2 Q3 में हम और तेजी से करें, ताकि जो हमने फोर्थ क्वार्टर में देखा वो और हो। क्योंकि जब आप निवेश, सरकार की निवेश जब बढ़ती है तो क्राउडिंग इन होती है, जो आपकी जो निजी क्षेत्र है वो भी इन्वेस्ट करती है, तो निवेश बढ़ना जो है बहुत अहम है इसमें। और ये शॉर्ट रन में, मतलब पिछले अगले कुछ एक कुछ महीनों में, सालों में, ये सबसे अहम मानता हूँ मैं। 1991 के नरसिम्हा राव सरकार में वाणिज्य सचिव रहे और योजना आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन मोंटेक सिंह अहलुवालिया मानते हैं कि भारतीय उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियों से मोदी सरकार को बचना चाहिए। उनका मानना है कि अगर हम कस्टम ड्यूटी बढ़ाते रहे तो देश एक बार फिर 1991 की स्थिति में पहुंच सकता है। वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार के बड़े समर्थक हैं। वो मानते हैं कि भारत को रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP से बाहर नहीं आना चाहिए था। चीन के शामिल होने की वजह से 2019 में भारत इस संधि से बाहर आ गया था। मौजूदा समय और मौजूदा हालात के हिसाब से 2024 तक $5 trillion इकोनॉमी का सपना साकार करने के लिए अगले 3 साल में सालाना 22-25% की जीडीपी ग्रोथ लानी होगी, जो बेहद मुश्किल आंकड़ा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और साथ ही कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला भी नहीं। वित्त वर्ष 2021-22 में तमाम रेटिंग एजेंसियों ने जीडीपी ग्रोथ 8-10% रहने का अनुमान लगाया है। साल 2024 तक 5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए सालाना 22-25% जीडीपी ग्रोथ चाहिए। अगर 10% के हिसाब से भी सालाना जीडीपी विकास होती है तो फिर 2030 तक $5 trillion इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल हो पाएगा। अगर भारत की विकास दर 9% रहती है तो फिर 2031 तक $5 trillion का लक्ष्य हासिल होगा। भारत की जो गोल है 5 trillion की, वो हम जरूर से अचीव करेंगे, लेकिन जो इसके महामारी के कारण थोड़ा जो असर पड़ा है उसमें, उसके कारण थोड़ी बहुत जो है मॉडिफिकेशन होगी वो हमें, क्योंकि सारे बाकी विश्व में बाकी देशों को भी अपने जो आर्थिक जो गोल्स हैं उनको बदलना पड़ा है, भारत को भी थोड़ा सा एक इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पीएम मोदी 2024 तक भले ही देश की अर्थव्यवस्था को 5 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य तक ना पहुंचा पाए, लेकिन ये तो सच है कि पिछले 7 वर्षों में आर्थिक सुधारों पर कई कड़े और बड़े फैसले हुए हैं। ऐसा इसलिए भी हो पाया कि पिछले 30 वर्षों में ऐसा प्रचंड बहुमत किसी भी सरकार को नहीं मिल सका था। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि पीएम मोदी ने यह पूरी तरह साबित कर दिया है कि वो देश में बड़े सुधार लाने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक है। पीएम मोदी को जिन सुधारों के लिए बड़े आर्थिक सुधारक के तौर पर माना जा रहा है उनमें GST,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, श्रम कानून में बदलाव और कृषि कानूनों में बदलाव सबसे अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये सुधार इसलिए भी जरूरी थे क्योंकि अगर विदेशी निवेशकों को न्योता देना है तो सुधार करने हैं। जनसंख्या के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन इस बाजार में पूंजी निवेश से पहले निवेशकों में भरोसा दिलाना बहुत जरूरी था कि हिंदुस्तान निवेश के लिए एक बढ़िया बाजार है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली तो वो इस बात को समझ गए थे कि भारतीय बाजार में विदेशी पूंजी निवेश बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका से लेकर यूरोप तक के कई देशों का दौरा किया और निवेशकों को न्योता दिया। हमारे लिए जितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का महत्व है उतना ही ईज ऑफ लिविंग का भी। मोदी ही नहीं, नरसिम्हा राव भी विदेशी निवेश की अहमियत को अच्छे से समझते थे। नरसिम्हा राव ने भी अपने कार्यकाल में एनआरआई और विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए काफी कोशिश की थी। ये सुनकर आपको खुशी होगी कि 3 साल के अंदर, क्योंकि पहले साल तो न कोई यहाँ आना चाहता था, न हम उनको बुला सकते थे, हम खाली देखते रहे, उनको समझाते रहे कि हमारी पॉलिसी बदल गई है, हमारी नीति बदल गई है, लेकिन किसी ने हम पर भरोसा ही नहीं किया। ये जो भी प्रगति हुई है कोई 2.5-3 साल की है, उससे अधिक की नहीं है। नरसिम्हा राव ने जो नीतियां अपनाई उसी को वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया। साल दर साल भारत में विदेशी निवेश बढ़ा ही है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत के मुताबिक भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए जिन 5 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है वो है ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना ताकि निजी क्षेत्र को लंबी अवधि में पैसे बनाने का मौका मिले। पूरी दुनिया में शहरीकरण की वजह से विकास बहुत तेजी से हुआ है, भारत में भी यही करने की जरूरत है। भारत सिर्फ घरेलू बाजार की तरफ नहीं देख सकता, हमारा संरक्षणवादी नजरिया नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया के बाजारों में अपनी दखल बढ़ानी होगी। भारत को अगर तेजी से बढ़ना है तो महिलाओं को बड़ी संख्या में वर्कफोर्स में शामिल करना होगा और कृषि के क्षेत्र में बड़े सुधार करने होंगे। कोविड के वजह से नहीं, ओवरऑल आर्थिक नीति, जो मोदी सरकार की आर्थिक नीति और राजनीतिक नीति, जो डिविजिव पॉलिटिक्स ये लोग परस्यू कर रहे हैं जिसके वजह से काफी तनाव है देश में, इसके वजह से आर्थिक परिस्थिति आगे नहीं बढ़ रहा है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए साइबर सिक्योरिटी को भी बेहद महत्वपूर्ण माना है। उनका ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। फेसबुक से लेकर गूगल जैसी इंटरनेट कंपनियों ने ही अमेरिका को आज तक महाशक्ति बना रखा है। भारत में भी आज डिजिटल कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। सरकारी कामों में भी डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है, ज्यादातर काम अब इंटरनेट के माध्यम से होने लगे हैं। आने वाले समय में इस पर निर्भरता और बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के मालिक इलोन मस्क का प्लान है कि भारत के ग्रामीण और सुदूर इलाकों में 100 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन सैटेलाइट के जरिए पहुंचाया जाए। उन्होंने अंतरिक्ष में इसके लिए 1800 सैटेलाइट पहुंचा दिए हैं। इसके लिए उनकी कंपनी स्टारलिंक ने भारत में $99 की प्री ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी है, यानी भारत में इंटरनेट और तेजी से फैलने वाला है। ऐसे में देश अगर साइबर सुरक्षा पर पैसे खर्च करेगा तो वो और आगे जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1990 और 2000 का दशक हिंदुस्तान में सॉफ्टवेयर कंपनीज के नाम था। आने वाले कई दशक हिंदुस्तान में इंटरनेट कंपनीज के हो सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप कल्चर ने ई कॉमर्स की ऐसी कंपनियों को पैदा किया है जो आने वाले 2 दशकों तक भारत की GDP को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत में आज ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां
अपना कारोबार बढ़ाने के लिए बड़ी पूंजी की तलाश में है। यही वजह है कि Zomato, Paytm, MobiQuick जैसी तमाम कंपनियों ने अब शेयर बाजार का रुख किया है। इन कंपनियों में विदेशी से लेकर भारतीय निवेशक सभी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत में टेक्नोलॉजी का अभी बोलबाला रहने वाला है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ने वाला है। 1992 में भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 1000 लोग थे। आज भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 76,50,00,000 पहुंच चुकी है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी की तरफ भी मोदी सरकार ने खुला रुख दिखाया है। हालांकि इसे कानूनी मान्यता कब देंगे, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं की है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इंडस्ट्री फॉर 4.0 के 4 मुख्य फैक्टर्स होने वाले हैं, कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग और रियल टाइम डेटा। भारत की अर्थव्यवस्था को अगर 5 ट्रिलियन बनाना है तो फिर कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को निकाल कर उद्योगों में लगाना होगा। भारत में जरूरत से ज्यादा लोग खेती बाड़ी और उससे जुड़े धंधे में लगे हुए हैं। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 60 के दशक में कही थी, लेकिन आज भी ये बात लागू होती है। पर सवाल ये है कि लोगों को कृषि के क्षेत्र से निकाल कर उद्योग धंधों में कैसे लगाया जाए, चाहे वो बड़े उद्योग हों, छोटे हों या फिर मझले उद्योग हैं। इसके लिए उन्हें नई स्किल यानी हुनर सिखाई जाए, उद्योग में काम करने लायक ट्रेनिंग दी जाए। देश की GDP में आज कृषि का हिस्सा 20.19% है, जबकि देश की आधी से ज्यादा कामगार आबादी कृषि के क्षेत्र में काम कर रही है। जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी वृद्धि करता है तो उसमें रोजगार बनते हैं, तो जो कृषि में जो मान लीजिए किसी एक युवक है, उसके पिताजी कृषि करते थे लेकिन वो नहीं करना चाहता, तो वो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑर्गेनाइज लेबर में कर सकता है। तो इस जो तो लोग कुछ लोग जो कृषि नहीं करना चाहते वो एक्चुअली माइग्रेट कर सकते हैं आपके इंडस्ट्री सेक्टर में। एग्रीकल्चर के नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मनमोहन सिंह ने मुझी से कहा था एक बार, कई संपादकों के साथ मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा था कि 5000 साल हम एक व्यवस्था में चले हैं, अब इस व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है। आप देखिए कृषि क्षेत्र जितना अनुत्पादक हो गया है कि किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के दर पर इतने महीनों से, तो मुझे ऐसा लगता है कृषि और इंफ्रा को बदलने की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से हमें स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमारे यहाँ डिग्री होल्डर्स बहुत हैं लेकिन काबिल लोगों की कमी है। भारत आज उस मुहाने पर खड़ा है जहां वो चीन और अमेरिका से आगे निकलने की चाहत रखता है। ये असंभव नहीं। चीन के लिए जो सपना माओ और डेंग शॉपिंग ने देखा था, उसे आज शी जिनपिंग ने नए पंख दे दिए हैं। उसी तरीके से भारत के लिए जो सपना नेहरू ने देखा था, 30 साल पहले नरसिम्हा राव ने उसके लिए नींव रख दी थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर जिम्मेदारी है कि उसी नींव पर बुलंद इमारत खड़ी करे। यही नरसिम्हा राव को मोदी की सच्ची श्रद्धांजलि हो। हमारे पास साधनों की कमी नहीं है, हमारे पास कुशल लोगों की कमी नहीं है, हमारे पास संकल्प की कमी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 25-30 साल के अंदर हमारा देश भी विकसित देशों के बीच में जाके बैठ सकता है, ऐसी पोटेंशियल हमारे पास है। ABP News, आपको रखे आगे।